ये तो आप लोगों का आशीर्वाद है ना। याद करिए मोदी जी जब 14 में जीते थे तो आपने टीवी पर वो दृश्य देखा होगा, 282 सीट जीतकर आए थे। आडवाणी जी ने उन्हें कहा कि आज मोदी जी पार्टी से बड़े हो गए। मोदी जी की आंखों में आंसू आ गया कि पार्टी तो मेरी माँ है ना, कोई बच्चा माँ से बड़ा हो सकता है क्या? हम लोग की यही सीख है। और आज जब मैं कुम्हरार क्षेत्र में हूं तो यहां तो बचपन के समय से आता हूं, सुशील मोदी के लिए भी काम किया, अरुण सिन्हा के लिए भी काम किया, और आप सभी संगठन के कार्यकर्ताओं का इतना अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने इस इलाके को भाजपा का ऐसा गढ़ बनाया है कि हवा कुछ भी चले लेकिन कमल छाप कभी कमजोर नहीं होता, ये आपने करके दिखाया। अभी मेरे परिचय में अरुण जी और शायद बैद्यनाथ तुमने बता रहे थे चारा घोटाले की याद। अब याद करिए उस समय क्या खौफ का माहौल था, कोई खड़ा नहीं होता था उस राज के खिलाफ। सुशील मोदी पिटिशनर बने, सरजू राय बने, मैं उनका वकील बना, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, आज आप कहानी जानते हैं। और उसके बाद से जो कहानी शुरू हुई 95 से, तो कुछ भी उतार चढ़ाव हो लेकिन कुम्हरार और कंकड़बाग के लोग हमेशा कमल छाप के साथ रहे, ये आपकी हिम्मत है, ये मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। देखो मित्रों, ये चुनाव, बाकी तो जब चुनाव प्रचार चलेगा तो मैं लंबी बात आपसे करूंगा, लेकिन एक बात आप बताइए सारे वोटरों को कि ये चुनाव ग्राम पंचायत का नहीं है, ये चुनाव म्युनिसिपैलिटी और नगर निगम का नहीं है, ये चुनाव विधानसभा का भी नहीं है, ये चुनाव है हिंदुस्तान के भविष्य और हिंदुस्तान की तकदीर को बनाने वाला। आज हमें तय करना है कि हमें कैसा हिंदुस्तान बनाना है।